हेलो फ्रेंड्स, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा हमारे देश का बजट पास किया गया है। बजट 2023 आज आया है, तो उसी बजट से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जो बिंदु आपको जानने चाहिए, उसी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मेरा यह वीडियो होने वाला है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गरीब खाद्यान्न योजना एक साल के लिए बढ़ा दी गई है, ठीक है। वित्त मंत्री ने इस बीच एक बड़ी घोषणा की है कि जो 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह 5 लाख तक थी जो आय सीमा थी, जहां तक टैक्स नहीं लगता था, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। और उन्होंने नए टैक्स स्लैब की भी घोषणा की। पैन कार्ड को अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। पहले पैन कार्ड को राष्ट्रीय पहचान के रूप में नहीं जाना जाता था, पर अब पैन को राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इस बजट में उन्होंने ये घोषणा की कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं चिमनी और कुछ मोबाइल फ़ोन, कैमरे के लेंस, सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा हो जाएगा। युवा यानी कि जो यंग बिजनेसमैन होंगे, उद्यमी होंगे, उनके द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन को मोड पर काम किया जाएगा। बागवानी योजनाओं के लिए बजट में 2200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 20 लाख करोड़ का कृषि ऋण इस बजट में लाया गया है। युवाओं के लिए कृषि स्टार्टअप डिजिटल प्रशिक्षण के बारे में इस बजट में बात की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना, जो कि मछुआरों के लिए एक विशेष पैकेज है, इसमें इसके बारे में भी बताया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खोला जाएगा या लॉन्च किया जाएगा। मैनहोल में नहीं उतरेंगे सफाई कर्मचारी, जैसे अभी मैनहोल में उतर के सफाई कर्मचारी काम करते थे, अब मशीनी हॉल बनेंगे, ठीक है। और नालों की सफाई के लिए योजना बनाई जाएगी, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई स्कीम बनाई जाएगी। आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए शिक्षक एवं अन्य सुविधाओं में इजाफा होगा और नए स्कूल बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के लिए बजट 66% बढ़ाया गया है, ठीक है। रेलवे के लिए 2.4 यानी कि 2.4 लाख करोड़ का बजट इस बजट में पेश किया गया है। और बाकी योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ का संभावित बजट रखा गया है। 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ई न्यायालय यानी कि ई कोर्ट लॉन्च किए जाएंगे। कारोबार में KYC यानी कि नो योर कस्टमर को आसान बनाया जाएगा। 5G सेवाओं के लिए इंजीनियरिंग संस्थाओं में 100 से ज़्यादा प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। कारोबार में वन स्टॉप समाधान पर जोर दिया जाएगा। जो कोविड MSME हैं, ठीक है, परियोजनाएँ, उनमें कारोबारियों को राहत दी गई है। किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ संस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की घोषणा इस बजट में की गई है। गोवर्धन स्कीम में अपशिष्ट से आमदनी यानी कि जो वेस्ट मटेरियल से इनकम, 200 बायोगैस कंप्रेस्ड संयंत्र, 10,000 करोड़ का बजट, जैव खाद को बढ़ावा और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता के बारे में बात की गई है। मैंगो पल्प की पैकेजिंग पर जोर की बात इस बजट में की गई है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर 19,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदूषण करने वाले वाहनों को बदलना, पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति के लिए निधि यानी कि फंड बनाया जाएगा। पूंजी निवेश परिव्यय 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस खोले जाएंगे। UPI के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपए के 7,400 डिजिटल भुगतान हुए हैं, तो इसको और बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है। ODOP, GI और हस्तशिल्प
के लिए राजधानी और पर्यटन केंद्रों में यूनिटी मॉल की स्थापना और ग्रीन कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए छूट, जो ताकि पोल्यूशन को कम किया जाए। कैमरा लेंस बैटरी पर आयात शुल्क में छूट जारी और सस्ते भी होंगे। खिलौना, साइकिल, टीवी, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक चिमनी को बनाने और आयात शुल्क में कमी होगी। विदेश से आने वाली चांदी महंगी, सोना और प्लेटिनम भी महंगा होगा। सिगरेट महंगा होगा। ब्लेंडेड CNG GST से बाहर किए जाएंगे। कपड़े और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की मूल दर 21% से घटाकर 13% की गई है। व्यक्तिगत आयकर 5 लाख से बढ़कर 7 लाख हुई आयकर की छूट सीमा। जो इनकम टैक्स की जो लिमिट थी वो 5 लाख से 7 में पहले ही बता चुका हूँ। कर की नई व्यवस्था जारी। 9 लाख व्यक्ति को 45,000 रुपये ही टैक्स पे करना होगा, जो कि उसकी इनकम का टोटल 5% होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जो कि बजट पर था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।